ओम शांति। जो महामंत्र बाबा ने हम सबको दिया है, जो जीवन में श्रेष्ठ सुखदायी परिवर्तन का आधार है, वो है बाबा कहते, बच्चे एक तो मुझ परम पिता की याद में रहो और अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाओ। ये तभी संभव है जब हम रोज जो इस ज्ञान गंगा में नहाने को मिल रहा है वह कभी नहीं गवाएंगे। रोज आत्मा का स्नान इस सच्ची सच्ची बाबा की ज्ञान गंगा में कराएंगे, क्योंकि इस अमूल्य समय का एक एक दिन हमारी श्रेष्ठ तकदीर लिख रहा है। एक दिन भी खुद को इससे वंचित रखना अर्थात आने वाले कल्प में कई सालों के लिए राज्य भाग्य से वंचित हो जाना। अभी घर घर से परमात्म ज्ञान गंगा गुजर रही है और कई आत्माएं इसमें स्नान करके अपने जीवन को धन्य धन्य बना रही हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान पा रही हैं। लेकिन थोड़े समय बाद ही ये ज्ञान गंगा अपना रास्ता बदल लेंगी। फिर जिन्होंने इसकी वैल्यू को नहीं समझा, इसके महत्व को नहीं समझा, इसे महत्व नहीं दिया, वो आने वाले समय में इसकी एक एक बूंद को तड़फेंगे। इसलिए इस परमात्म ज्ञान गंगा रूपी नदी की वैल्यू जान, इसमें प्रतिदिन स्नान करो और जीवन में ज्ञान को धारण कर पवित्र योगी बनो। यही हम सब के लिए परमात्म महामंत्र है। रोज बहुत सुंदर योग का अभ्यास इस प्रकार करो, देखें एक बहुत दिव्य पवित्र परमात्म ज्ञान गंगा रूपी नदी, जिसमें परमात्मा का ज्ञान रूपी अमृत गुण और शक्तियाँ बह रही हैं, ऐसी नदी मेरे घर के साथ बह रही है, अनुभव करें। मैं आत्मा एक चमकता हुआ सितारा इस शरीर से निकलकर इस नदी में डुबकी लगाती हूँ और मुझ आत्मा में इसकी एक एक धारा से परमात्म ज्ञान सर्वगुण और शक्तियाँ समाने लगती हैं। मैं आत्मा इस ज्ञान गंगा रूपी नदी में बहुत सुखद आनंदित शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ और नीचे गहरा उतरती जा रही हूँ। मैं चमकती हुई आत्मा नदी के तले में जाकर बिंदु रूप शिव बाबा को देख रही हूँ। बाबा से सर्व गुणों और शक्तियों की लाइट मुझ आत्मा में समाने लगी। मैं आत्मा शिव बाबा के सानिध्य में संपन्न और संपूर्ण बनती जा रही हूँ। बाबा की लाइट और माइट मुझ में निरंतर समा रही है। देह और दुनिया से परे खुद को अलग अनुभव करके मैं सर्वशक्तिवान बिंदु रूप परमात्मा में समाई हुई हूँ। बाबा अपना सर्वस्व मुझ आत्मा पर लुटा रहे हैं, मुझे आप समान बना रहे हैं। मुझ आत्मा की चमक अब बाप समान हो गई है।
अब मैं आत्मा संपन्न होकर धीरे धीरे बाहर निकल रही हूँ और नदी से बाहर निकलते ही सुंदर लक्ष्मी नारायण का रूप धारण कर लेती हूँ। देखें खुद को लक्ष्मी या नारायण के स्वरूप में। दिव्य पवित्र देह, ओजस्वी मुखमंडल, संपूर्ण निर्विकारी, अर्थात मन में विकार का कोई स्थान या स्मृति नहीं। सर्व गुण संपन्न, सर्व शक्तियों के अथॉरिटी, सर पर डबल ताज, एक विश्व की राजाई का और दूसरा पवित्रता का ताज मेरे सर के ऊपर। मैं संपूर्ण दिव्य पवित्र हूँ। वाह 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 वाह, आपने मुझे कितना महान श्रेष्ठ बना दिया है, पूज्य बना दिया है, भरपूर कर दिया है। वाह 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 वाह, ओम शांति।